हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत दिनों से आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं मिल पा रही थी। जी हां दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के स्पेशली एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर क्या एडमिट कार्ड अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिस भी वैकेंसी का उन्होंने अप्लाई किया था साल 2021 में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ उन स्टूडेंट्स का जिनका कि अभी तक यानी फिलहाल जनवरी का मंथ चल रहा है आपका 2022 का, अगर अभी तक आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का अगर आपने किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पे अप्लाई किया हो, अगर आपका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो दोस्तों आपके लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि कुछ एयरफोर्स स्टेशन के जो भी एडमिट कार्ड है वो रिसेंट में जारी हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे 05 वाली वैकेंसी 2021 वाली में, तो उनका दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो रिसेंट में कुछ एयरफोर्स स्टेशन का, जैसे आपका ताम्बरम का जो पिछला वाला बचा हुआ था, जो नए वाले थे उनका जो एडमिट कार्ड है दोस्त उसका जारी किया जा रहा है। ठीक है, मीन्स कि कुछ ऐसे एयरफोर्स स्टेशन जिनका कि साल 2021 में फॉर्म फिलअप हुआ था लेकिन उनका एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं किया गया था, तो उनके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो रिसेंट में जारी किए जा रहे हैं। स्पेशली दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि 197 पोस्ट के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे, स्पेशली 197 पोस्ट वाले जिन्होंने भी 197 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, इनका जो एडमिट कार्ड है, अगर आपको याद हो तो इनका जो एडमिट कार्ड है कुछ एयरफोर्स स्टेशन का, जैसे पालम वगैरह का हो गया, इन्होंने जारी किया था लेकिन कुछ एयरफोर्स स्टेशन ने नहीं किया था, तो उनका दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों जो लास्ट वैकेंसी आपकी आई थी 174 पोस्ट की, तो 174 पोस्ट वाले भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका भी दोस्तों जो एडमिट कार्ड है कुछ एयरफोर्स स्टेशन का तो जारी हो गया था, जैसे पुणे लोहेगांव वगैरह की बात करूँ या फिर आपके नासिक की बात करूँ तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया था, लेकिन कुछ एयरफोर्स स्टेशन का भी दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो रिसेंट में जारी हो रहा है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है ये करनी है कि आपको अपने पोस्ट ऑफिस से पता करते रहना है कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। ठीक है, या फिर अगर अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो दोस्त बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन जो हैं अपने एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करा लिया है उन्होंने, तो आपको जो सबसे अच्छा काम करना है कि आपको जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे आपने अप्लाई किया है उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्त आपको गूगल के माध्यम से मिल जाएगा, आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेना है और वहाँ पर कॉल कर करके आप जानकारी ले सकते हो कि क्या आपका जो एडमिट कार्ड है उस ट्रेड का, उस पोस्ट का, उस वैकेंसी का जारी कर दिया गया है या नहीं किया गया है। अगर फिर भी आपको कोई अपडेट नहीं मिलता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्पेशली रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मान लो कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आपका जो एग्जामिनेशन डेट पार हो गया है, क्योंकि मैंने रिसेंट में देखा बहुत सारे ऐसे केस सुनने को मिले कि उनका जो एग्जामिनेशन था वो 8 तारीख को था लेकिन उनका एडमिट कार्ड आ रहा है 18 तारीख को, ऐसे भी बहुत सारे केस हो चुके हैं। ठीक है, कि अगर आपको 8 का एग्जामिनेशन है और आपका एडमिट कार्ड पहुंच रहा है 18 तारीख को, तो दोस्तों इस केस में आपका एग्जामिनेशन अब नहीं होगा, मीन्स कि अब उसको इनवैलिड माना जाएगा और आपका जो एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको पोस्ट ऑफिस से अपने ज़रूर पता करते रहना है। दोस्तों ये जो होता है ना आपका जो डिले होता है आपका पोस्ट ऑफिस की गलती की वजह से, लेकिन एयरफोर्स की इसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि एयरफोर्स जो है आपका 15 डेज पहले, अगर आपका एग्जामिनेशन जो है 30 को होने वाला है तो ये 15 दिन पहले यानी 15 तारीख को जो आपका एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है उसको इशू कर देता है, यानी 15 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन योर एडमिट कार्ड हैज़ बीन रिलीज। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने पोस्ट ऑफिस से कंटिन्यूसली पता करते रहना है कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। अगर फिर भी ना आए तो मैंने जो दूसरा कंडीशन बताया है जैसे कि आपने देखा, तो वहाँ से जा करके आप कॉल करके या फिर ईमेल करके जानकारी ले सकते हो किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट्स जो मैं देने वाला था इस वीडियो में स्पेशली रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड। तो अगर आपका भी अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप ये दो स्टेप्स को करो, आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।